गाइस अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आया था या फिर मैं यहाँ से आया था। दो रास्ते हैं यहाँ पे। सो है यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो फिलहाल सब अच्छे होंगे। सुबह इस टाइम हो रहा है सुबह के 11 और अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं बाइक राइड के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि साहिल भाई आपकी बाइक कहाँ गई, आजकल आप बाइक नहीं चला रहे। तो बाइक कहीं नहीं गई है, ये खड़ी हमारी बाइक। और आज हम जा रहे हैं फाइनली बाइक राइड पे काफी टाइम बाद। बाकी एक बहुत ही प्यारे लोकेशन मेरे मन में है, तो वहां पे जाएंगे। तो हाँ, बने रहना वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला आज का व्लॉग। तो चलो उतारते हैं कवर को और निकालते हैं बाइक को बाहर। तो ये है हमारी प्यारी ड्यूक, आज चलाएंगे काफी टाइम बाद। तो निकल पड़े हैं। यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी है ट्रक की भाई, ट्रक ही ट्रक, हमें आगे निकालनी पड़ेगी। गाइस बाइक का सबसे मेन फायदा यही है कि आप निकल सकते हो ट्रैफिक से बाहर। भाई मौसम बहुत प्यारा हो रहा है आज, हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा है। तो अब गाइस मुझे मिली है एक मस्त रोड, देखो बिल्कुल सीधी रोड है और बिल्कुल खाली रोड है। तो अब यहाँ पे हम बाइक थोड़ी भगा सकते हैं। तो चलो फिर 1 2 3। तो अब गाइज हम जाने वाले हैं जंगल के अंदर। तो आज होने वाला है थोड़ा एडवेंचर बाइक के साथ। तो यहाँ से जंगल के अंदर अंदर जाके बीच में आएगा एक मंदिर जिसका नाम है सूर्य देवी मंदिर। तो हाँ आज आपको वो दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा सामने जय माँ सूर्य देवी। तो यहाँ से है रास्ता जाने का अंदर, लेकिन गाइज रास्ता बहुत डेंजरस है। यहाँ पर ना सारे जानवर है, यहाँ पे टाइगर भी है भाई। तो हाँ डेंजरस तो है, लेकिन गाइज लोग यहाँ पे आते हैं काफी। देख रहे हो गाइज मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला बाइक पे। गाइस पता नहीं लेकिन ना मुझे ना डेयरिंग चीज़ें बहुत पसंद है। गाइस लाइफ में रिस्क होंगे तभी तो मज़ा आएगा ना, सोचो ऐसे क्या मज़ा। बाकी यहाँ पे पूरी मिट्टी है तो मेरे टायर धंस रहे हैं, बाइक आराम से निकालनी पड़ेगी बहुत, कहीं फिसल ना जाए। अभी कहीं से भी कोई जानवर आ सकता है भाई, राइट से भी लेफ्ट से भी। गाइस मैं सोच रहा हूँ ना ये मंदिर मतलब किसने बनाए होंगे, है ना, मतलब यहाँ की जो खोज है वो किसने करी होगी मंदिर की, इतने घने जंगल के बीच में आके, सोचने की बात है। और एक ही नहीं गाइस, यहाँ पे हजारों मंदिर है ऐसे जंगल के अंदर पहाड़ों के ऊपर टॉप पे। तो हाँ इनकी भी मतलब कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है खतरनाक बहुत, अगर हम जाने तो एक बहुत बड़ा रहस्य होता है उनके पीछे। फिलहाल तो गाइस मैं जंगल के बहुत ही अंदर आ गया देखो, और मंदिर भी अब आने वाला होगा मेरे हिसाब से। बहुत देर हो गई भाई चलते चलते मेरे को। भाई साहब यहाँ पे तो अलग ही लग रहा है भाई। गाइस मुझे ना अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना अलग सा, मतलब हल्का हल्का डर लग रहा है, मैं कैसे बताऊँ आपको अब, बिकॉज गाइस घने जंगल के बीच में कोई नहीं है मेरे अलावा यहाँ पे। लेकिन जो भी है गाइस इसी में मजा है भाई, डर के आगे जीत है। लेकिन यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी नहीं है भाई, चलते रहो बस। जय माँ सूर्य देवी। गाइस मैंने सोच लिया मैं ये पूरे रास्ते कैमरा बंद नहीं करने वाला, बिकॉज कभी भी मुझे कोई भी जानवर दिख सकता है तो हमारा कैमरा ऑन रहेगा, क्या पता कोई जानवर दिख जाए। गाइस अच्छे से पहुंच चुके हैं और बाल भी खराब हो चुके हैं हेलमेट में अच्छे से, जो कि हर बार होते हैं। और बाइक को लगा दिया यहाँ पे पार्क और सामने है वो मंदिर वहाँ पे। बाकी देखो कुछ ऐसा एरिया है चारों तरफ का। बाकी यहाँ पे देखो मेरे अलावा एक फैमिली और आई है, यहाँ हो रही है फिलहाल पूजा। गाइस इस मंदिर की ना बहुत ही मान्यता है और यहाँ पे ना बहुत लोग आते भी हैं त्योहारों पे, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। फिलहाल तो कोई नहीं है, सिर्फ एक फैमिली है मेरे अलावा, लेकिन जो भी गाइस अच्छा बहुत लग रहा है यहाँ पे आके। तो फिलहाल वहाँ चल रही है पूजा, तो अभी मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, हम जाएंगे उनके बाद, उनकी पूजा हो जाए ख़त्म फिर हम जाएंगे। तो हाँ इतने हम बैठते हैं नदी किनारे, चलो। गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं मेरा सिर भी डाल लूँ इसमें, बस ठंडा हो जाएगा सिर, है ना, और बाल भी ठीक हो जाएंगे सारे। बस ठंडे पानी में सिर डाल लिया भाई, मज़ा आ गया। बाकी देखो यहाँ पे मछलियाँ भी हैं बहुत सारी, छोटी छोटी मछलियाँ देखो। तो अब चलते हैं चलो और दर्शन करके आते हैं मंदिर के। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से, करते हैं प्रणाम, जय माता दी। तो निकल पड़े हैं गाइस मंदिर से। तो हमने यहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटे बिताए, तो काफी अच्छा लगा, मन को शांति मिली। और अब जा रहे हैं वापस, लेकिन गाइस एक दिक्कत हो गई है, मेरे बाइक में दिखा रहा है लो फ्यूल लेवल, इसमें पेट्रोल बहुत कम है और मैं अभी फिलहाल जंगल में हूँ और अभी मुझे अराउंड 40 मिनट्स लगेंगे बाहर निकलने में जंगल से। तो भाई बस ये खत्म ना हो जाए यार। गाइस मैंने पहले देखा नहीं और अब देखा लो फ्यूल लेवल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान हमारे साथ है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अब चलते रहते हैं
और अब जाते टाइम भी हमारा कैमरा ऑन रहेगा बिकॉज जानवर दिख सकते हैं। गाइस जंगल में ना किस्मत होती है, अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको जानवर दिख जाएंगे। तो हाँ यहाँ पे सारा कुछ चलता है किस्मत के ऊपर, जानवर की मर्जी वो कब बाहर आए ना आए। और गाइस वैसे ही क्या पता मैं कैमरा बंद करूँ और एकदम से मुझे कुछ दिख जाए कोई जानवर, तो हाँ मैं तो भाई कैमरा ऑन ही रख रहा हूँ क्योंकि जंगल है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे पेट्रोल का डर लग रहा है भाई, पेट्रोल खत्म ना हो जाए बस। गाइस अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से आया था या फिर मैं यहाँ से आया था, दो रास्ते हैं यहाँ पे। गाइस वैसे मैं 90% श्योर हूँ कि मैं यहाँ से आया था, लेकिन मुझे कुछ परसेंट लग रहा है कि मैं यहाँ से ना आया हूँ कहीं। अगर मैं यहाँ चला गया और ये गलत रास्ता निकला तो फिर पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा भाई। तो गाइस क्या करें, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, अब 90% वाले से ही चलते हैं, बस सही रास्ता हो। गाइस मेरे हिसाब से यही वाला था यार, ऊपर वाला नहीं था। चलो जो भी है अब तो आ गए यहाँ से, अब बस चलते रहो, इंतजार करो मेन रोड के आने का। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अब जंगल से बाहर निकल के, अगर ये सही रास्ता हुआ तो। फाइनली गाइस ये सही रास्ता निकला और हम बाहर आ चुके हैं, जय हो। गाइस मस्त मक्खन रोड आ गई है, अब आएगा मजा बाइक भगाने में। गाइस रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग का था, अब बाहर आके इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, क्या चल रही है बाइक मस्त। फिलहाल गाइस पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, और अब गाइस मैं सीधा घर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ पहले मेरी बुक्स लेने के लिए। तो अब मेरे एग्ज़ाम आ गए, 5 दिन बाद मेरा पहला एग्ज़ाम है, तो अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मेरे को। तो चलते हैं बुक्स लेके आते हैं, अब तक मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा जितना पढ़ा, अब थोड़ा बुक में से पढ़ लेंगे। तो चलो चलते हैं, बुक मिलती है कॉलेज के पास से, तो चलते हैं कॉलेज के पास बुक लेते हैं फिर चलते हैं घर पर। चलो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं, तो ये सामने है मेरी बुक शॉप। अरे रोहित क्या कर रहे हो भाई, बुक लेने आया था यार ब्रो। तो ये है मेरा कॉलेज, देखो पीछे ये मेरा कॉलेज है और यहाँ पे ये बुक शॉप है, और मुझे यहाँ मेरा दोस्त मिल गया, चलो बढ़िया हो गया, अब हम साथ में ले रहे हैं। तो गाइस बुक ले ली है, अब करेंगे मस्त पढ़ाई। बाकी ये है मेरा दोस्त रोहित, ये मेरी क्लास में ही पढ़ता है। तो अभी गाइस बुक लेके और जूस पी के हम निकल चुके हैं वापस घर की तरफ, और ये है लेफ्ट में मेरा कॉलेज, देखो यहाँ मुझे आना है 5 दिन बाद एग्जाम देने। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अब घर पहुँच के। फाइनली गाइस सोसाइटी पहुँच चुके हैं और टाइम हो गया है 5:31। गाइस हम गए थे सुबह 11 बजे भाई, 6 घंटे बाद घर आ रहा हूँ मैं अब। चलो जो भी है भाई बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, अब चलते हैं अंदर। गाइस और यू आ गया। तो भी गाइस टाइम हो गया शाम के 6:15, तो मैंने घर आके मुंह हाथ भी धो लिया है और थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया है, अब चलते हैं पार्क की तरफ और थोड़ा घूम के आते हैं, वर्कआउट करके आते हैं। चलो देखो फिलहाल मौसम सनसेट हो चुका है और अंधेरा भी होने वाला है। गाइस कुछ भी हो लेकिन मुझे हमारी सोसाइटी बेस्ट लगती है भाई, मतलब ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी हल्द्वानी में, इतनी प्यारी जगह है ना, इतनी खुली खुली रोड, घूमते रहो मस्त और चारों तरफ हरियाली। और गाइस एक बार दोबारा से ना इसके ऊपर जाना है, आपने शायद देखा होगा मेरे व्लॉग में, एक व्लॉग में मैं गया था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर से ना गाइस इतना प्यारा व्यू आता है ना पूरी सोसाइटी का, तो जाएंगे दोबारा से। फिलहाल तो लेकिन एक दिक्कत हो गई, आपको दिखाता हूँ मैं, वहाँ पे टॉप पे लग गया छत्ता मधुमक्खी का बहुत बड़ा, तो अब वहाँ जाना बहुत रिस्क वाला काम है भाई। तो हाँ अगर ऊपर गए और वहाँ पड़ गई पीछे मधुमक्खी तो कहीं भाग भी नहीं पाएंगे भाई। बाकी एक चीज़ और गाइस, ये देखो यहाँ पे लग गए हैं आम हमारी सोसाइटी में, अरे वाह, अभी ये पूरे पके नहीं है लेकिन कुछ टाइम में ये पक जाएंगे भाई, तो गिर रहे हैं गाइस, हाथ लगाते ही गिर रहे हैं, तो भाई तो इनको छेड़ते नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे देखो गाइस यहाँ बच्चे कुछ खेल रहे होंगे, ये देखो फिटो रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। गाइस गिरा दे इनको, बताओ गिरा दे नहीं यार छोड़ो। चलो अब करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट। गाइस फिलहाल हो चुका है वर्कआउट और मैंने थोड़ा बहुत किया आज, बिकॉज यहाँ पे ना इतने मच्छर हो रहे ना भाई, मैं बैठ ही नहीं पा रहा घास में, मुझे बहुत काट दिया आज। और सोसाइटी की एक और अच्छी बात, यहाँ पे ना गाइस लोग बहुत कम है तो शांति बनी रहती है, बिकॉज ये ना मेन सिटी में नहीं है, ये सिटी से बाहर है, तो इसलिए भी मुझे बेस्ट लगती है ये। चलो फिर अब घर पहुँच चुके हैं। तो अभी गाइस टाइम हो गया रात के 10, तो डिनर भी हो चुका है और अब करेंगे हमारी एडिटिंग स्टार्ट और करते हैं इसी के साथ वीडियो यहीं पे एंड। बताने कैसे लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस, बाय।